यार देखो सीधे सीधे बताऊं, मैथ्स के अंदर अगर तुमने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करी हुई और अगर तुम आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हो तो कमिटमेंट मुझे अगर तुम दे रहे हो कि अगले 5 दिन भैया मैं पूरी जी जान से लग जाने वाला हूं, तो मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ कि कम से कम 50 नंबर तो मैं तुम्हें निकाल के दूंगा, और अगर तुम 40 पे बैठे तो 70 तक मैं तुम्हें पहुंचा के दूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुन लेना, पूरा के पूरे सारे सारे मैथ के चैप्टर्स खोल के रख दिए, कहां से किस तरीके का सवाल आ रहा होगा, अगले 5 दिन डे वाइज प्लान और कौन से वन शॉट क्या करना है, क्या मटेरियल करना है, सब कुछ यहाँ पर खोल के मैं रख देने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज अगर आपने मेरे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर रखा था तो आपको उसकी वैल्यू पता लग रही होगी, लेकिन अगर तुमने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि जेईई की और बोर्ड की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक गाइडेंस आपको यहां पर मिल रही होती है, और आगे आने वाले भी एप्पल अटेम्प्ट में ऑब्वियसली तुम्हें जरूरत पड़ने वाली चैनल की, तो कर दो सब्सक्राइब। तो स्टार्ट कर रहे थे। अब देख सकते हो पूरे पेपर का जो वेटेज है ना, तो वो इस तरीके से वेरी करता है कि रिलेशन फंक्शन से 8 नंबर का सवाल आने वाला है, एलजेब्रा से आप देख सकते हो, कैलकुलस से आप देख सकते हो 35 नंबर का, वेक्टर 3D से 14 नंबर का, लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर का सवाल आपको देखने मिलने वाला है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज नोटिस करोगे, किसी बच्चे को अगर जस्ट पास होना है, ठीक है ध्यान से देखना, किसी बच्चे को अगर जस्ट पास होना है ठीक है, तो वो यार रिलेशन एंड फंक्शन करके चला जाए, ठीक है रिलेशन एंड फंक्शन करके चला जाए, डेटा एंड फंक्शन में मान लो वो भी आ गया आपका क्या कहते हैं आईटीएफ भी आ गया, फिर वो यार ये करके चला जाए मैट्रिक्स असाइनमेंट और वेक्टर 3D करके चला जाए लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या आसान आसान चैप्टर्स हैं, बिल्कुल 4 दिन में 4 चैप्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पास क्या बेटा आराम से तुम 35 से ऊपर नंबर निकाल लोगे। ठीक है तो 30 नंबर निकालना या 35 नंबर निकालना तो कोई कठिन बात यहाँ पर रहने गई है। अब बात यहाँ पर यह है कि किस तरीके से हम लोग 40 नंबर के ऊपर पहुंच सकते हैं, भैया डे वाइज प्लान को हमें बता दो, तो वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो है क्या क्या वीडियो में, एक तो प्रायोरिटी वाइज मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, और किस चैप्टर में क्या किस टॉपिक को हमें वर्क प्रायोरिटी देनी है, साथ में डे वाइज प्लान कहाँ से कौन सा चैप्टर कब करना है और किस दिन क्या चीज फॉलो करनी है, सब कुछ आपको स्पेशल इनसाइट्स से आपको मिलने वाली है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं बता दूं कि ज्यादातर बच्चे तुम में से ऐसे भी होंगे जो जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले होंगे। अब जेईई मेंस का एग्जाम जैसे जैसे आपका पास आ रहा है वैसे वैसे एक चीज भी है कि यार देखो खुद सोचो यार सारे बच्चों को तो जेईई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो अब मैं सोच रहा हूँ यार कि तुम तक नॉलेज की कमी ना रहे, तो इसलिए यार हर एक वीडियो के अंदर अब मैं आपको 1 या 2 मिनट लिया करूंगा जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बता दूंगा जिसके फॉर्म आप बैकअप कितना फिल कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 11 लाख से ऊपर का है, जो कि ये लोग अपने वेबसाइट पर दिखाते हैं, 1.2 करोड़ का हाइएस्ट पैकेज है, और साथ में जेईई मेन्स 10th 12th के बेसिस पर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी ऑफर हो रही होती है, और यार ये जेई के अलावा एक अच्छा बैकअप ऑप्शन भी साबित हो सकता है। ओवरऑल काफी समय से उन्होंने काफी अच्छे प्लेसमेंट निकाल रखे हैं, और ठीक है यार कॉलेज बढ़िया कॉलेज है। बाकी यार क्या है, देखो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं फॉर्म को फिल करने के लिंक दे दूंगा। अब देखो ये नहीं है कि यार मेरे को फॉर्म फिल करवाना है कुछ ऐसा नहीं, देखो सीधी सी चीज है, तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए और जितने ज्यादा बैकअप ऑप्शन रहेंगे उतना बेटर है। तो फॉर्म फिल कराने के लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, कोई काउंसलर की हेल्प अगर आपको चाहिए तो उसकी भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाने वाली है। तो अब वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें अगर वीडियो को तो देख सकते हो एंड तक सुनना, अंत तक सुनना वीडियो को तभी समझ में आएगा, नहीं तो बेटा आधी गाइडेंस बहुत खतरनाक होती है, आधी गाइडेंस में कुछ 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 आप कर डालोगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो आधी गाइडेंस बहुत खतरनाक होती है। बात करें चैप्टर वाइज प्रायोरिटी की, पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बकेट 1 में मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स डाल रखे हैं जो आप करके पास हो जाओगे, जैसे मैट्रिक्स असाइनमेंट, वेक्टर 3D और रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर अगर आप ध्यान से कर लेते हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और ये 3 चैप्टर आप करके चले जाते हो आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप मान लो ये 3 चैप्टर में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखे हो, तो उसके बाद अगर आप बकेट 2 भी कर लेते हो जहां पर प्रोबेबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग है, इतना काम अगर आप कर लेते हो, मैं तुमसे ज्यादा कह ही नहीं रहा हूं, मैं तुमसे मात्र कह रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स असाइनमेंट और आपका प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, इतना काम तुम कर लेते हो गारंटेड 35 नंबर तुम्हारे कहीं गए ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वो बच्चे की बात हो गई जो बच्चा बिल्कुल ही 0 पर बैठा हुआ है। तो तुम तो अगले 5 दिन बैठो, वन शॉट देखो, एनसीईआरटी के एग्जाम पर करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ, एक दिन में एक एक चैप्टर निपटाते जाओ, ठीक है, तो तुम आराम से 35 नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी हुई है ना पूरे साल, थोड़ी बहुत भी, तो तुम बिल्कुल यहां से 60 से ऊपर नंबर निकाल सकते हो, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो बकेट 3 में पूरा कैलकुलस डाल लो, बाकी देख सकते हो बकेट 1 और बकेट 2 से आपके 40 नंबर कंफर्म है अगर बिल्कुल 0 पर बैठे हो तो। आप डे वाइज प्लान सुन लो और रिसोर्स सुन लो क्या है, ठीक है। तो देखो डे वाइज प्लान की बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं 6 मार्च की, 6 मार्च यानी आज का जो दिन है। तो आज के दिन तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट देखना है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो वन शॉट डाल रखे हैं उसमें 2 तरीके के वन शॉट लगाए रिलेशन एंड फंक्शन के, एक तो वो लगाया है जो बच्चा पहली बार वो चीज कर रहा हो, और एक वो लगाया है कि तुमने अगर पहली बार एक बार ना चैप्टर पर नजर भी फेरी हुई है, तो एक लगा दिया मैंने कि पहले एक बार कर रखा है वाले वन शॉट देख लेना। तो जो पहले एक बार कर रखा है वाला वन शॉट है उसका लेंथ थोड़ा सा छोटा है, तो अगर आपने पहले बार कर रखा है तो वाला वन शॉट देखना जो मैंने वहां पे लगा रखा है।
बाकी आईटीएफ की बात करेंगे तो आईटीएफ में भी यार उसी तरीके से मैंने वन शॉट लगाए हुए, फर्स्ट टाइम वालों के अलग है और बाकी जो पहले से अगर तुमने कर रखा चैप्टर तो उसका अलग है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें निपटा के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन देख के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे आपको लगा लेने हैं। अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो बेटा वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन से ही होगा, वही तुम्हारी क्या कह सकते हैं, वही तुम्हारी जादू की छड़ी है जहां से तुम्हारे सवाल बन के होंगे। 7 मार्च की बात कर लेते हैं जो कि डे बिफोर होली है, ठीक है, 8 तारीख की आपकी होली हो रही होगी तो 7 मार्च का डे बिफोर होली है, तो अगर होली ढंग से खेलना चाहते हो तो होली से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। होली खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का वन शॉट मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, वो आपको देखना है। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का वन शॉट छोटा सा डाला है, मतलब ज्यादा बड़ा वन शॉट नहीं है, 2 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, और अगर 2x पे देखोगे तो ऑब्वियसली वो 1 घंटे 30 मिनट के अंदर कंप्लीट आप कर सकते हो। लेकिन यार उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है ना मैट्रिक जनरेटर की, आपको सॉल्विंग सेशन देखना होता है, तो यहाँ पर सॉल्विंग सेशन या तो देख लो या एनसीईआरटी के एग्जाम पर क्वेश्चन सारे के सारे एक बार कर लेना और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सेम डे आपको बैठकर, क्योंकि इस काम में आपको 2 से 2.5 घंटा लग सकता है, तो ओवरऑल मान लो चलो 5 घंटा तुमने यहाँ पर ले लिया तो तुम्हें 5 घंटा फिर अगला देना पड़ेगा वेक्टर 3D में, सेम तरीके से वन शॉट मैंने लगा दिया, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आप देख सकते हो। वन शॉट मैंने बता रहा हूँ 2 तरीके के लगाए, एक डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम और एक आपका लगाया जो कि अगर आप पहले चैप्टर कर चुके हो तो आप उस तरीके वाले वन शॉट देख लो। तीसरी चीज क्या है, एक बात समझना, अगर मान लो ये चैप्टर तुमने पहले से कर रखे है ना, तो एक काम करना तुम ना केवल अपने नोट्स पढ़ो, सॉल्विंग सेशन करो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन एक बार देख लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रैप अप कर लो, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो अगर तुमने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो। अब 8 मार्च की बात कर लेते हैं, जिस दिन तुम्हारा होली वर्क का त्यौहार है तो सुबह में होली बना लेना, शाम में थोड़ा सा फ्री हो जाना तो प्रोबेबिलिटी का वन शॉट मैंने लगा दिया डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वो देखना है, और लीनियर प्रोग्रामिंग का वन शॉट देखना है। अब देखो इसके अंदर तो 3 से 4 घंटा जाने वाला है, पर लीनियर प्रोग्रामिंग का तुम 1 घंटे में कर लोगे, ठीक है। तो देख सकते हो 3-4 घंटे में सारे के सारे निपटा के, उस दिन केवल 4-5 घंटे की पढ़ाई अगर आप कर लेते हो, रात को टाइम निकाल लेते हो, तो ये 2 काम आप कर लेना होली वाले दिन, तो उससे ये होगा ना कि यार थोड़ा सा लोड आगे के लिए कम हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि भैया हमने ना 8 मार्च तक अपने 35 नंबर तो कन्फर्म कर लिए हैं, देखो रिलेशन यहाँ से तो हमारे हमारे कुछ कन्फर्म हो गए, मान लो 8-14 नंबर यहाँ से हमारे कन्फर्म हो गए बाकी नंबर, और बाकी यहाँ से कुल मिला के 35 नंबर के आसपास तो हमारे आ जाने वाले हैं अगर अगले 2 दिन हम लोग कुछ भी ना करें तो। लेकिन अगले 2 दिन हम कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप कैलकुलस की बारी है, तो कैलकुलस आप कैसे उठानी है, देखो अगर तुमने अब से पहले कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं छुई है ना तो वन शॉट से उठाना, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी कैलकुलस कर रखी है तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गली बोलूंगा कि या तो अपने नोट्स पढ़ लेना एक बार, और नोट्स पढ़ने के बाद सॉल्विंग सेशंस पहले कर लेना। सॉल्विंग सेशन में क्यों बोल रहा हूँ, सॉल्विंग सेशन में ना टीचर सवाल करा के दिखा देता है तो वो कर लेना चाहे पहले, और अगर तुमने कैलकुलस बिल्कुल नहीं पढ़ी है तब आप वन शॉट देखना जो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लगा रखे। अब सॉल्विंग सेशन क्या होता है, किसके देखोगे यार बतेरे अब आ जाएंगे, मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूँ तो यार आ जाएंगे यूट्यूब पर बहुत सारे इस समय, तो सॉल्विंग सेशन में क्या होगा, टीचर सवाल करा रहा होगा, ठीक है, और वो हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो तुमने कोई चैप्टर मैं ऊपर बात कर रहा हूँ मैट्रिक सेगमेंट के ऐसे, तो तुमने अगर वो चैप्टर कर रखा है ना तो एक बार बस नोट्स पढ़ लेना, और नोट्स पढ़ने के बाद सॉल्विंग सेशन पे चले आना, डायरेक्ट सॉल्विंग सेशन की प्रैक्टिस करी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ गए, कोई सवाल नहीं बन रहा है तो एनसीईआरटी एग्जाम पर देख लिया, बिल्कुल ऐसे करते चलना। तो आपको 9 मार्च को ही करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट देखना है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का वन शॉट देखना है, इन्हीं दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने। इस दिन मेहनत लगेगी बेटा, पूरे रगड़ जाओगे इस दिन, 10-12 घंटे की मेहनत लगेगी, लेकिन करके दिखाना है। 11 तारीख की बात, 10 तारीख की बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 तारीख को आपको करना है, आपने देखना है इंटीग्रेशन का वन शॉट, इंटीग्रेशन का वन शॉट, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, और जाते आते एरिया अंडर द कर्व का भी एक वन शॉट देख जाना। इस काम में भी 10 से 12 घंटा लग सकता है, लेकिन ये 2 दिन अगर तुमने पूरे डेडिकेट कर दिए कैलकुलस को तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग यार इसको ऐसे भी सोचेंगे कि भैया कैलकुलस मैं पहले ना कर लूं, ये बताओ कैलकुलस मैं पहले ना कर लूं। देखो अगर तुम कैलकुलस पहले करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये जो 2 दिन का शेड्यूल है ना, ये जो 2 दिन का शेड्यूल है कैलकुलस को कंप्लीट कराने का, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, मतलब इसको आप शिफ्ट कर दो क्या कहते हैं होली से पहले के 2 दिन में, यानी 6 से 6 और 7 में। अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू डू कैलकुलस पहले कर लिया जाए, पहले कर लिया जाए, तो यार एक काम करना 6 और 7 में कैलकुलस निपटा लो, ठीक है, 6 और 7 में कैलकुलस निपटा लो। 8 तारीख को तो होली है, तो होली वाले दिन तो तुम वही कर पाओगे जो कि छोटा सा चैप्टर कोई हो, तो होली वाले दिन तो केवल प्रोबेबिलिटी और वही उठाना क्या कहते हैं अपना ये लीनियर वाला जो चैप्टर है आपको वही उठाना, ठीक है। अब समझो एक चीज समझो, अब फिर आप 9 और 10 के लिए क्या करोगे, फिर 9 और 10 के लिए आप वाला काम कर लेना, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसमेंट और वेक्टर 3D वाला, ठीक है। तो आप पोर्शन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा था, ये तो आपका था क्या कहते हैं बकेट 1, और ये था आपका बकेट 2, और ये था आपका बकेट 3, ठीक है। तो बकेट 3 आप पहले करना चाहो पहले कर लेना, बाद में करना चाहो बाद में कर लेना, लेकिन 2 दिन में बकेट 1 3 करनी है, 2 दिन में बकेट 1 करनी है, और 1 दिन में आपको बकेट 2 करनी है, समझ में आए सब बच्चों के। अब देखो अगर सवाल फंसेंगे, मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी एग्जाम पर देख लोगे, फिर भी ज्यादा प्रैक्टिस अगर चाहिए, ठीक है, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मोर देन इनफ है। अच्छा इसके बाद एक छोटी सी चीज है, अगर आपने चैप्टर पहले कर रखा है तो डायरेक्ट सवालों पर चले आना, सॉल्विंग सेशन पर चले आना। आप डिस्कस कर लेते हैं कहां से कैसा सवाल आ सकता है। देखो ध्यान से देखो,
मैं आपको बता दूं, 3 और 5 नंबर के सवाल कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, जहां पर आपको फायदा भी है। 3 से 5 नंबर वाले सवाल जिस चैप्टर से आते हैं ना, उससे फायदा रहता है कि सवाल प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में ना, आपका जो सवाल हो सकता है इनवर्स निकालने वाला, वो हो सकता है आ जाए 3 से 5 नंबर वाले सवाल में। दूसरी चीज, वेक्टर 3D तो मेजरली आपको वहीं पे दिखने वाला है, क्या कहते हैं, एमसीक्यूज में दिखने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शन भी आपको एमसीक्यूज में दिखने वाला है ज्यादा। प्रोबेबिलिटी का सवाल आपका आ सकता है, जो कि निहायत ही आसान रहने वाला है 3 से 5 नंबर में। और लीनियर प्रोग्रामिंग तो 3 से 5 ही नंबर में ही आएगा सवाल, और इसका एक ही टाइप का सवाल होता है कंस्टेंट वाला, तो वो 3 से 5 नंबर में आने वाला है। और फुल कैलकुलस के अंदर मैं बात करूंगा तो 3 सवाल जो है, 3 तरीके के सवाल जो मुझे लग रहे हैं आ सकते हैं 3 से 5 नंबर में। एक तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला सवाल हो सकता है, जहां पर लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट चेक हो जाए आपके। एक एओडी का सवाल हो सकता है, एओडी के अंदर टेंजेंट नॉर्मल का हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा का हो सकता है, और नहीं तो कोई और भी जनरल प्रॉब्लम का सवाल हो वो हो सकता है। नहीं तो इंटीग्रेशन का सवाल आपका आ सकता है, इंटीग्रेशन में डेफिनेट का भी हो सकता है, इनडेफिनेट का भी हो सकता है। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी हो सकता है, जो कि 3 से 5 नंबर में आ रहा होगा, जो मुझे लगता है जहां तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज आपको बता दी जिसका आप खासा ध्यान रखना, क्योंकि 3 से 5 नंबर वाले जो सवाल है ना, उसमें 1-2 सवाल की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। प्लस ये सभी आप फॉलो तो कर लो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आप वन शॉट देख रहे हो तो आप सवाल खुद सॉल्व कर रहे हो, कॉपी पेन पे आप चला रहे हो प्रॉपरली। प्लस क्या है कि कल परसों में एक बार पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो भी आएगी, तो वो पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देगी कि पेपर को प्रेजेंट आपको कैसे करना है। मैथ के अंदर ना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई सारे लिंक, फटाफट से शुरू हो जाओ देखना। और हर एक दिन के बाद कमेंट कर रहे होगे कि day 1 completed, day 2 completed, day 3 completed, और देखते हैं यार कि कितने बच्चे 5 दिन कंप्लीट करते हैं और फोड़ के आते हैं मैथ के अंदर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संगल ज्वारी साइनिंग ऑफ।